आज का जो वीडियो है खासकर तीन तरह के लोगों के लिए है। अगर आपका एक लेबोरेटरी है, अगर आपका एक दुकान है, अगर आपके घर पे किचन है, क्योंकि आज का जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट वेट स्केल जो देखने में ऐसा है, आप इसके ऊपर कोई भी सामान रखेंगे तो इसमें आपको उसका वजन पता चल जाएगा। तो इसका जरूरत पड़ता है दुकानों पे, उसके बाद लेबोरेटरीज पे और किचन पे, क्योंकि किचन पे कुछ खास तरह का रेसिपीज बनाने के लिए आपको इंग्रेडिएंट्स को मापना पड़ता है। तो ये हो गया एक किचन वेट स्केल, एक शॉप वेट स्केल और लेबोरेटरी वेट स्केल। तो ये एक बहुत ही अच्छा और एक्यूरेट वेट मशीन है, लेकिन मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैंने इसको टेस्ट किया है, टेस्ट करने के बाद आपको मैं बता रहा हूँ। तो इसको खरीदने का बेस्ट बाय लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन ऑर्डर करने से पहले चलिए देख लीजिए इसका अनबॉक्सिंग वीडियो और वो टेस्ट का वीडियो। तो ये देखिए बॉक्स, मॉडल का नाम है TS500। तो ये हो गया ऊपर का हिस्सा, साइड में कुछ फीचर्स लिखा हुआ है, इस साइड में भी कुछ नहीं है। इस साइड में लिखा हुआ है कितना ये केजी वेट कर सकता है, पीछे भी फीचर्स लिखा हुआ है। तो चलिए इसको करते हैं अनबॉक्सिंग। तो हो गया अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पे एक यूजर मैनुअल दिया हुआ है, उसके बाद ये हो गया एक्चुअल प्रोडक्ट, इसको पॉलिथीन से निकालते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा एक पोर्टेबल वेट मशीन फॉर शॉप एंड किचन एंड फॉर लेबोरेटरी। तो इसमें ऊपर में ये ट्रे है, यहाँ पे आपको वेट रखना पड़ता है। यहाँ पे LCD है जहाँ पे ये वेट बताता है। यहाँ पे कुछ बटन्स है, ये हो गया ऑफ ऑन का बटन, ये हो गया टेयर का बटन, ये मोड, ये PCS, और यहाँ पे मॉडल का नेम लिखा हुआ है TS500। ये हो गया ऊपर का हिस्सा, साइड का देख लीजिए, यहाँ पे एक अडाप्टर लगाने का भी ऑप्शन है, तो बिना बैटरी का भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नीचे देखिए, नीचे एकदम ब्लू कलर में है, लिखा है मैक्सिमम 30 kg आप वजन कर सकते हैं और मिनिमम 1 ग्राम। और उसके बाद यहाँ पे देखिए बैटरी कंपार्टमेंट है, देखते हैं बैटरी है कि नहीं। तो उन्होंने 2 AA बैटरी दिया है साथ में, ये अच्छा बात है। और ये जो बैटरी है ये कई महीने चलता है, उसके बाद आप बाजार से 20-30 रुपया देके इसको खरीद सकते हैं। तो चलिए इसको बंद कर देते हैं। तो देखिए बैटरी लगाने के तुरंत बाद ही ये ऑन हो गया है, और ये जो LCD स्क्रीन है इसका बैकलाइट ग्रीन कलर का है, तो बहुत ही अच्छा है देखने में। तो देखने में अच्छा होने से ही नहीं होगा, सबसे जो जरूरी है वो है इसका एक्यूरेसी। तो चलिए टेस्ट करते हैं ये मशीन एक्यूरेट है कि नहीं। तो चलिए अभी इस मशीन को टेस्ट करते हैं। ये एकदम छोटा से छोटा चीज़ों को भी वजन कर सकता है। तो चलिए अभी ये जो कैमरा का ढक्कन है लेंस का, उसको वेट करके देखते हैं। तो उसका वजन बता दिया है 14 ग्राम। तो उसके बाद देखते हैं, एक रिमोट है, देखते हैं उसका कितना है। इसका बता दिया है 15 ग्राम। उसके बाद सनग्लास का 22 ग्राम। तो एकदम छोटे से छोटे चीज़ों का भी ये वजन बता देता है। लेकिन क्या ये एक्यूरेट है वो मापने के लिए, ये देखिए मैंने एक पैकेट लिया है, ये है 15 ग्राम का पैकेट, आप देख सकते हैं 15 ग्राम का पैकेट है। तो इसका वजन लेके देखते हैं अभी। तो देखिए बता दिया है 16 ग्राम। 1 ग्राम ज़्यादा क्यों, क्योंकि इसका जो पैकेट का वजन है उसका भी तो थोड़ा सा वजन है, तो 1 ग्राम पैकेट का। उसके बाद ये हो गया, देखिए इसका 30 ग्राम का वजन है, तो देखते हैं। तो ये बता दिया है 32 ग्राम, मतलब 2 ग्राम पैकेट का, तो एक्यूरेट है एकदम। उसके बाद और एक पैकेट वेट करते हैं, ये हो गया 100 ग्राम का पैकेट, देखिए 100 ग्राम का। तो इसका वजन करते हैं अभी, तो देखिए 103, तो 3 ग्राम पैकेट का, तो एकदम एक्यूरेट है। उसके बाद ये हो गया 1 kg का एक पैकेट, ये देखिए 1 kg का। तो इसका देखते हैं, तो देखिए 1 kg 12 ग्राम, 12 ग्राम पैकेट का, मतलब ये एकदम एक्यूरेट वेट मशीन है, और आप मैक्सिमम 30 केजी तक इसमें वेट कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास 30 केजी का कोई पैकेट नहीं है, नहीं तो मैं करके दिखा देता, लेकिन ज़रूरत भी नहीं है, ये एक्यूरेट है, आप इसको ले सकते हैं। तो अभी आपको दिखा देता हूँ, इसमें टेयर फंक्शन भी है, मतलब कभी कभी क्या होता है आपको उसके ऊपर प्लेट रखना पड़ता है और प्लेट के ऊपर वजन करना पड़ता है। तो अभी अगर मैं कुछ वजन करूँगा ऐसे, तो प्लेट का भी तो वजन आ गया है साथ में, तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, प्लेट के जो वेट है उसको माइनस करना पड़ेगा। उसके लिए ये दिखा रहा है प्लेट का वजन है 172 ग्राम। तो अभी अगर टेयर को दबा देंगे तो ये माइनस हो गया, ज़ीरो हो गया। तो अभी इसके ऊपर आप जो भी रखेंगे उसका वजन बताएगा, प्लेट का नहीं। तो अभी ये 172 फिर से बताया है, ये है लेमन का वजन ना कि प्लेट का। तो इसके ऊपर और भी रखेंगे तो देखिए 290 ग्राम, ये हो गया इस सामान का ना कि प्लेट का। तो ऐसे आप वजन कर सकते हैं टायर फंक्शन को देके। तो है ना ये बहुत काम का चीज़। तो
तो अगर आपका दुकान है, लेबोरेटरी है, नहीं तो आपका किचन है, किचन तो रहता ही है, तो आपको ये लेना चाहिए। तो अभी इसको ऑर्डर कीजिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, काम का लगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस तरह का यूज़फुल प्रोडक्ट्स का रिव्यूज़ करता रहता हूँ। तो जल्दी ही मिलते हैं एक दूसरे यूज़फुल प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।